हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रयास लवली यू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लोविया का नाइटवेयर हॉल। आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं क्लोविया के नाइट सूट्स को ट्राई करूँ। मैंने पहले भी दो क्लोविया हॉल्स किए हैं जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि मैं नाइटवेयर्स का भी रिव्यू करूँ, तो हियर आई एम। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नाइटवेयर्स का रिव्यू जो कि ऑन डिमांड था। तो इसमें मैंने कुछ एक चीज़ें मंगवाई हैं, एक दो मैंने नाइट सूट्स पहले भी मंगवाए थे तो उसका रिव्यू भी मैंने अभी तक अपने चैनल पर शेयर नहीं किया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहला हॉल जो हॉल में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नाइट सूट सभी के प्राइजेस आपको नीचे स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है वो है ये मैक्सी नाइट सूट, जो कि नॉर्मली आप अगर कहीं घूमने जाते हैं या घर में भी पहनना चाहते हैं तो इस तरीके की आप मैक्सीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नी लेंथ मैक्सीज होती हैं, पीछे से आपको इस तरीके से टी शेप में मिल जाता है और आगे भी आपको इस तरीके से कोटेशन मिल जाती है। क्वालिटी की बात की जाए तो होजरी की क्वालिटी यानी कि कॉटन जो होता है उस क्वालिटी में ये है। आप किसी भी तरीके से इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील करते हैं। इसके साथ आपको पॉकेट्स भी दी जाती है कि अगर आप कभी वॉक पे भी जा रहे हैं इसे वेयर करके तो आपके पास पॉकेट्स होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फ़ोन रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और नाइटीज़ में ये वाली फैसिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है कि आपको पॉकेट्स दी हैं दोनों साइड पे, तो आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ये लेस पैकेडी, कुछ इस तरीके से है। इसका फ्रंट और बैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पोलका डॉट में है। ये ब्लू कलर की पैकेडी है जिसे मैं वेयर करने वाली हूँ अपने एक पजामा के साथ जो मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था। ये वाला पंजामा मैंने मंगवाया था और इसके साथ मैं कंट्रास्ट में इसे वेयर करने वाली हूँ। तो मुझे इसके लिए कुछ चाहिए था और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, वैसे मेरे पास बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, मैं उसके साथ भी इसे कैरी कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि अब मंगवा ही रही हूँ तो इस तरीके से स्पैगेटी टॉप इस बार ट्राई करती हूँ। अब वैसे भी समर्स आ गए हैं, यहाँ पूना में तो आ गए हैं, वहाँ पर अभी नहीं आए हैं, तो समर्स में आप इस तरीके की स्पैगेटीज को कैरी कर सकते हैं शॉर्ट्स के साथ, पजामास के साथ और कम्फर्टेबल फील कर सकते हैं। तो इस तरीके के पजामास में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके के स्पैकेडीज को भी वेयर कर सकते हैं। ये जो पजामा है ये कॉटन पजामा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ नाइट वेयर्स में, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अभी मैं आपको इसे वेयर करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। इसके साथ साथ मैं इसी स्पैकेडी को वेयर करने वाली हूँ ये पजामा के साथ। ये ट्रैक पजामास हैं, इस तरीके के आते हैं, नीचे से आप अलग से इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नाइट सूट्स में भी मैंने इन्हें देखा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इसके साथ दो पॉकेट्स होते हैं और आप जिम वगैरह में भी इन्हें इजीली कैरी कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है नॉर्मली कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ टाइट मतलब बहुत ज़्यादा खुला खुला नहीं पहनना चाहते तो इन पजामास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं बाहर भी पहन के जाना हो तो ऑड नहीं लगते। दूसरा मैंने ये ब्लैक कलर का, मैं ज़्यादातर डार्क कलर के पजामास में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ, तो इस तरीके का ये डार्क कलर का पजामा है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ये भी कॉटन के पजामास हैं, आपको इसके साथ पॉकेट्स मिल जाती हैं, दोनों साइड पर आपको पॉकेट्स दी जाती हैं और इसे आप किसी भी टी शर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुला या बहुत ज़्यादा अजीब सा नहीं लगता और इसमें साइज चार्ट भी दिए जाते हैं जिससे आप देखकर अपने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ये टी शर्ट जिसे मैं इसी पजामा के साथ वेयर करने वाली हूँ। ये टी शर्ट इस तरीके की है, ये भी होजरी के कपड़े में है जिसे कि हम कॉटन बोलते हैं। आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं। इसके ऊपर भी कॉटेशन लिखी हुई है, बहुत सारे इसमें डिजाइन्स और कलर्स भी अवेलेबल थे तो मुझे कुछ लिंक मिलेंगे तो मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट जो है वो है ये नाइट सूट जो कि शॉर्ट्स में है। अब जैसा कि मैंने आपको समर्स के बारे में बता दिया कि आ रहे हैं तो मुझे कहीं कई बार गोवा भी जाना पड़ता है। अगर आप अनुप्रिया लवली यू चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं गोवा बहुत फ्रिक्वेंटली जाती हूँ, स्पेशली गर्मियों में जाती हूँ, तो इस तरीके के शॉर्ट्स में मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई भी करना था। तो ये इस तरीके की कॉलर नाइट सूट है, कॉलर का है, आगे बटन दिए गए हैं और उसके साथ आपको ये शॉर्ट्स दिए जाते हैं। ये भी पोलका डॉट पे है, ब्लू कलर में है और काफ़ी क्यूट से लग रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो इस तरीके के हैं, अभी मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। इसके अलावा एक टाइट सूट मेरे पास पहले ही था,
जो कि है ये वाला, ये मैंने सर्दियों का मंगवाया था। बेसिकली ये कॉटन में है लेकिन थोड़ी थिक क्वालिटी में है। इसमें मुझे अब गर्मियों गर्मी लगने स्टार्ट हो गई है तो इसे मैंने वेयर करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इसे मैं कम से कम 10 बार पहन चुकी हूँ लेकिन अभी भी इसके ऊपर इसका प्रिंट जो है वो निकला नहीं है और अभी भी सेम क्वालिटी का लग रहा है। क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी ट्राई ऑन मैं आपको दिखा देती हूँ, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक कूपन कोड दूंगी जो कि स्क्रीन के ऊपर होगा, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डील है, तो जरूर कूपन कोड को जरूर ट्राई कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी कूपन कोड, तो आपको 300 रुपये ऑफ मिल जाएगा। तो अभी मैं ट्राई ऑन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, इनमें से कुछ भी आप परचेज करना चाहते हैं कूपन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर देना, इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वायरल कर दीजिए। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को हिट कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और अगर आप ये मेकअप लुक बिना कंसीलर बिना कॉम्पैक्ट या बिना फाउंडेशन के देखना चाहते हैं तो ब्लश ब्लश अनुप्रिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वहां पर मैं अलग अलग मेकअप लुक होम रेमेडीज और आपके लिए बहुत कुछ लाती रहती हूँ, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के